दोस्तों हमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अब रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर रखा जाना है। क्यों रखा जाना है, क्या है वो रीजंस, वो मैं आपको बताऊं। इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह MS धोनी को एक महान कैप्टन महान बैट्समैन मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ IPL अपडेट्स क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रख ले। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिर क्यों MS धोनी के नाम पर रांची के स्टेडियम का नाम रखा जाना है। दोस्तों आपको बता दें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, इसी स्टेडियम में खेला जा रहा है और पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि इस स्टेडियम का नाम धोनी के नाम पर रख दिया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों में शुमार धोनी ने विश्व क्रिकेट में भारत का डंका बजाया है। धोनी की वजह से झारखंड का नाम विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। सुनील गावस्कर का मानना है कि धोनी की उपलब्धियों को देखते हुए रांची के क्रिकेट स्टेडियम का नाम महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम कर देना चाहिए। गावस्कर ने रांची टेस्ट मैच के पहले दिन कमेंट्री करते हुए धोनी के विश्व क्रिकेट में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बखान किया है। उन्होंने कहा कि MS धोनी के नाम पर पवेलियन जरूर है इस स्टेडियम में, लेकिन अब स्टेडियम का नाम महेंद्र सिंह धोनी रख देना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बड़ी मांग की है BCCI से। आपको क्या लगता है, क्या BCCI को इस स्टेडियम का नाम चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, MS धोनी के नाम पर रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ IPL अपडेट्स क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके रख लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।